भाई लोग, तो अगला साल 2024 हमारे पूरे सुपर हीरो जॉनर के लिए बहुत ज्यादा बेकार होने वाला है, क्योंकि मार्वल की तरफ से सिर्फ एक मूवी आने वाली है और डीसी की तरफ से कोई भी मूवी नहीं। मैं आपको बता दूं कि क्या सीन चल रहा है। तो अगर आपने मेरा लास्ट स्पेशल फ्राइडे का एपिसोड देखा हो तो आपको ये तो जरूर मालूम पड़ गया होगा कि हमारी ZAG एक्ट्रा की जो स्ट्राइक है वो खत्म हो गई है। एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में बातचीत हो गई एंड वो मान चुके हैं। तो उसके बाद से जितने भी स्टूडियोज थे उन लोगों ने अपनी अपनी मूवीज की रिलीज डेट बताना चालू करी एंड उनमें से मोस्ट ऑफ द में डिलेज ही है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बताने का चालू करूं तो अगले साल मार्वल और डीसी की तरफ से कोई मूवी नहीं आने वाली, सिर्फ एक छोड़ के जो कि है हमारी डेडपूल 3 जो कि आएगी हमारी 26 जुलाई को। एंड उसके बाद यस, सोनी की तरफ से दो मूवीज आएंगी, क्रेवन द हंटर एंड हमारी वेनम 3। बट टू बी ऑनेस्ट, सोनी और सुपर हीरो जमता ही नहीं है, तो उस तरफ अगर ज्यादा ध्यान ना दें तो भी चलता है। इसका मतलब ये है कि पूरे साल सिर्फ अपन को डेडपूल के ऊपर मिल्क करना पड़ेगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि जितने भी सुपर हीरो बेस्ड चैनल्स हैं वो किसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, कॉज मूवी तो रिलीज होने नहीं वाली कोई सी, सिर्फ एक को छोड़ के। या पूरे साल डेडपूल को भी मिल कर सकते हैं, पर जितना ज़्यादा ही ब्लैंक 2024 है उतना ही ज़्यादा धमाकेदार 2025 होने वाला है। मतलब लाइन से जो मूवी आने वाली है मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं अगर आपको नंबर बताऊं तो पूरी की पूरी 6 मूवीज रिलीज होंगी 2025 में। सबसे पहले आएगी हमारी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो कि आएगी 14 फरवरी 2025 को। उसके बाद हमारी फैंटास्टिक फोर जो कि आएगी 2 मई को। उसके बाद हमारी सुपरमैन लेगेसी जिसके अंदर कोई डीले नहीं है, वो 11 जुलाई को आने वाली थी और 11 जुलाई को ही आएगी। एंड उसी के दो हफ्ते बाद हमारी थंडरबोल्ट्स रिलीज आएगी जो कि है 25 जुलाई 2025 को। उसके 3 महीने बाद आएगी हमारी बैटमैन 2 एंड उसके 1 महीने बाद यानी कि 7 नवंबर को आएगी हमारी ब्लेड। यस, अगर हमारा ब्लेड में वापस से कोई रीशूट नहीं होता है तो, जो कि चांसेस मुझे लगते हैं कि एक और बार इनका रीशूट होगा और ये डिले जाएंगे, तो अगर अपन ब्लेड को इस सिनेरियो से हटा दें तो 5 मूवी तो फिर भी परफेक्ट है। एक अच्छी बात यह है 2024 के लिए कि भाई उसके अंदर द बॉयज़ का अगला सीजन आएगा, तो यस द बॉयज़ के ऊपर अपन थोड़ा देख पाएंगे, बिकॉज यार वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इन सब में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी डेडपूल 3 के लिए एंड हमारी बैटमैन 2 के लिए एंड हमारी सुपरमैन लेगेसी के लिए। बाकी से मुझे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट यार ये 3 मूवी को तो मैं पहला दिन पहला शो देखने जाऊँगा, क्योंकि यार ये सिनेमा है और मैं आपकी मिस नहीं करना चाहता कि मैं कोई सुपरमैन की मूवी छोड़ दूँ जो कि मैंने लास्ट टाइम करी थी। इस बार वो गलती नहीं करेगा। बाकी आप अपना ओपिनियन बताओ कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर एंड आप किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैं आपसे अभी मिलता हूँ स्ट्रीम पे, कॉज अभी 1 घंटे बाद होने वाली है स्ट्रीम चालू जिसमें अपन देखेंगे लोकी 2। अभी तक तो खत्म भी हो गई होगी एंड आपने देख भी ली होगी शायद से, नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। या अपने ओपिनियन बताना ज़रूर।